अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक पूरे वर्ष भर में दो बार रखी जाती है, तो ये इस वर्ष की दूसरी बैठक है जो कि पटना में हो रही है, जिसमें आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले माह में विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में किस प्रकार की गतिविधियों का संपादन करने वाली है, किस प्रकार के आंदोलन और अभियान अपने हाथ में लेने वाली है, उन सभी के विषयों में यहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा होने के पश्चात एक निर्णय लिया जाएगा जिसमें देश भर से आए हुए सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सहभाग यहाँ पर होगा। अभी ध्यान में ही हो कि जिस प्रकार से हमारे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है हम लोगों ने, तो उसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक पूरे वर्ष भर में दो बार रखी जाती है, तो ये इस वर्ष की दूसरी बैठक है जो कि पटना में हो रही है, जिसमें आगे आने वाले महीनों में, आगे आने वाले माह में विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में किस प्रकार की गतिविधियों का संपादन करने वाली है, किस प्रकार के आंदोलन और अभियान अपने हाथ में लेने वाली है, उन सभी के विषयों में यहाँ पर चर्चा होगी और चर्चा होने के पश्चात एक निर्णय लिया जाएगा जिसमें देश भर से आए हुए सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का सहभाग यहाँ पर होगा। अभी ध्यान में ही हो कि जिस प्रकार से हमारे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है हम लोगों ने, तो उसके विषय में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। हम किस तरीके से इंटर्नशिप्स का लॉन्च करेंगे या फिर जो अनसंग हीरोज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, पब्लिक डोमेन में उसको लेकर के आएंगे, सबको बताएंगे उसके बारे में, बड़ी तिरंगा रैलियाँ करनी हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के सुझाव आएंगे या आने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले वर्षों में एबीवीपी के भी 75 वर्ष में हम प्रवेश करेंगे 2022 में, तो एबीवीपी के 75 वर्ष में प्रवेश करने पर हम किस प्रकार की गतिविधियों का संपादन करेंगे उसके विषय में भी चर्चा होगी। अभी कैंपसेस को खुलवाने के लिए हम प्रयासरत रहे, साथ ही साथ जो अलग अलग स्थानों पर प्रवेश परीक्षा और परिणाम में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं उनके विषय में भी किस प्रकार की एक दिशा निर्धारित हो और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के क्रियान्वयन में हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसके ऊपर भी चर्चा यहाँ पर होगी। ये दो दिन की बैठक है, यानी कि 17 और 18 अक्टूबर दो दिन तक, कल शाम तक ये बैठक चलने वाली है पटना में। निधि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। टाइम हो गया क्या? तो सर पीछे हटिएगा ना, सर जहाँ बैठेंगे वहाँ देख के बाहर निकल जाएंगे। एक मिनट भैया थोड़ा ध्यान, थोड़ा इधर भी देखिए, थोड़ा इधर भी देखिएगा। हेलो, रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।